तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये क्यों रहा है? अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो अब हमारा हुआ भाई खाने का टाइम, रात का खाना। तो देख ले प्यारे बहन भाइयों, बाजार से आई हुई है शामी, और साथ जो ऊपर वाली भाजी है हमारी, उन्होंने भेजी है कढ़ी और चावल। चलें जी, खाएं फिर। आए जिस बहन भाई ने खाना है, आए और हमारे साथ हमारे साथ मिल। एंजॉय करें। और मोहम्मद आप भी ऊपर बैठो। तो एक सिस्टर ने कमेंट किया है कि आप और मोहम्मद का नाम क्यों नहीं लेते हैं? तो भाई लेते हैं, हम नाम हम क्यों मोहम्मद लेते का हैं? नाम नहीं लेते, ये हम इन्हें कहते हैं बाबा जी, हम इन्हें कहते हैं बाबा ये जी। मेरे बाबा जी हैं। तो मजाक में कभी इन्हें पांडा कह दिया करते थे कभी कुछ, क्योंकि ये अपना पेट जो सा ना घूम फिर कर भर लेते हैं। और मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह बराबर है, मैंने कभी दोनों में फर्क नहीं किया, और अल्लाह ताला ना कभी फर्क लेके आए। हाँ बस इतना है कि हम YouTube से थोड़ा ओझल रखते हैं इसे। वो क्यों? कि YouTube की कुछ पॉलिसियां हैं बच्चों के मामलात में, कि बच्चा आते आए के रोते हुए नहीं दिखाना, काफी यानी के है जो हमें देखभाल कर चलना असल में पड़ता हमें है। स्ट्राइक पड़ने का खतरा होता है YouTube की तरफ से, तो जी जी उसमें बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें बच्चों को दिखाना जरा मुश्किल होता है कि बच्चा किसी ऐसी कोई हरकत पे ना हो, कोई ऊपर से गिरने वाली पोजीशन ना हो, या किसी गलत जगह पे ना चढ़ रहा हो, जिसकी वजह से YouTube जो है इस चीज में बड़ा स्ट्रिक्ट और है, ये तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत तेज है, बहुत तो फिर इसकी शरारती तरह से है। कैमरे, जब हम कैमरा करते फिर इसकी तरह से हमें हटाना पड़ जाता है इस वजह से। हम बना रहे हैं इस वक्त चाय, सुबह हमारी हो चुकी है। तो अक्षा स्कूल में है। हमारी हो गई है सुबह, और मैं भी कैचा को स्कूल छोड़कर आया हूँ नाश्ता वगैरह बनाकर, और उसके बाद मैंने मैडम को उठाया, मैंने कहा चलो इन्हें भी नाश्ता दे देता हूँ बनाकर। उसके और बाद टोटल बर्तन खुद हमने धोए हैं, यहाँ की सफाइयां खुद हमने की हैं सारी, और ये देखिए सारा सारा काम खुद हमने कर दिया हुआ है मुकम्मल। तो जाहिर है मैं तो नहीं कर सकती अब। कोई बात नहीं, क्या हो गया? फिर अब चाय बना रहे हैं आप? मैंने कहा चलो चाय बना लो ना, फिर उसके बाद आपको केक बिस्किट या जो चीज आप खाना चाहें। चलें ठीक हो गया। अरे टेबल लेने के लिए छोटे कमरे में से, तो कह रहे, मैंने कहा जाओ मोहम्मद मुझे ना टेबल ला दे, तो कह रहे मम्मा मैं ला के देता हूँ। तो खुद हम आप क्या कर रहे हैं? अच्छा केक निकाल रहे हैं, चले जी ले हैं। फिर भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है बहुत। प्यारे बहन भाई हाँ मैडम, माशाल्लाह मैं काफी हद तक पहले से बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है करम इस पाक जात का। और हमारी वीडियो आज की जबरदस्त होने वाली है, और रहिएगा हमारे साथ साथ। तो आज की जितनी भी हमारी वीडियो होगी, जो भी हम व्लॉग बनाएंगे, आप सब बहन भाइयों से शेयर करते रहेंगे। तो तबीयत का जैसे कि मैंने बताया कि है तबीयत मेरा भी, क्योंकि अभी ऑपरेट हुआ है एकदम, तो मैं खड़ा नहीं हो सकती ना ज़्यादा चल सकती, लेकिन कोशिश करती हूँ चलने की फिरने की। तो पेन होती है, लेकिन आज उस पेन में मुझे काफ़ी हद तक फ़र्क है, करम उस पाक ज़ात का और आप सब बहन भाइयों की दुआओं का असर है। ऊपर अल्लाह की ज़ात और नीचे मेरे बहन भाई हैं मुझे दुआएं देने वाले। तो जहाँ भी रहे पूछ रहे हैं, अब आप ने आपने निकाल के दी है? अच्छा ले 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 ले, टेबल भी धोने वाला हुआ हुआ है। चलो अब तो मैं नाश्ता करूँ, उसके बाद धोते हैं टेबल में। ठीक है मोहम्मद, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। ये आ गया नाश्ता मेरा, आ जाए आप भी करें। हाँ जी, जगह देख रहा हूँ बैठने की, ये चारपाई खींच ले तो चारपाई खींचता हूँ। मोहम्मद नहीं खाने? अच्छा चलो, अच्छा बाबा की गोद में बैठ जाना फिर खाना। आप अभी चाहे गरम है, गरम है, गरम है, चाहे गरम है। अच्छा ये बाबा की है, कितना चला आ गया अभी, मैं आपकी चाय में से नहीं ले रहा, ये बाबा की है। चाय कैक्शा की है? नहीं वो कैक्शा की नहीं है, कैक्शा तो कैक्शा कहाँ गई है? कूद गई कैक्शा स्कूल गई। कहाँ गई? कोई देगी मेरा शहजादा बेटा, पारा पारा मेरा शहजादा बेटा। मामा और मामा मुझे पानी दो, दो ना तुसे। ये 10 रुपये मुझे दे दो, मुझे पानी दे दो बाबा से लेके। तो और मोहम्मद ने मुझे पानी दिया है आज, और 10 रुपये की चीज लेने जा रहा है। बाबा जाते हैं साथ, वो बाबा भाग जी,
बेटे 2 मिनट रुको, आ रहा हूं मैं। ले जा रहे हो आप बाहर? जी जी, मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पे गिराज में खड़ी हो जाऊं। चलो मैं कुर्सी रख देता हूँ गिराज में ना, तुम्हें आज यहाँ बैठ जाओ गिराज में। जी ठीक है, तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा आने जाने वालों से। हाँ ये तो है, मोहल्ले की सभी कोई आई है, कभी कोई आई नहीं। जब मैं बाहर निकलती हूँ ना फिर तो सभी इकट्ठी हो जाती है माशाल्लाह। चलो फिर मेरा दिल लगा रहता है उनके साथ ही, मैं गपशप किए रखती हूँ तो जितना मुझसे बोला जाता उतना जवाब उन्हें दे देती हूँ। बाकी फिर उन्हें पता होता है कि ज्यादा नहीं बोल पाएंगी, फिर वो मेरे पास खड़ी रहती है, खुद गपशप करती रहती है। फिर सब हंसी मजाक, हंसी मजाक। हाँ जी, तो जी कुकर मैंने लगा दिया है और मैडम का बना रहा हूँ मैं कीमा, और उनका कीमा बनाने के बाद जो है उनको है खिलाना, क्योंकि उन्हें लगी हुई है थोड़ी सी भूख। जो रहा कल कीमा मैंने बनाया था वो हो गया है ख़त्म, क्योंकि बच्चे भी खा गए इसमें से सारा, मैडम ने तो नहीं बच्चे खा गए सारे। और जैसे ही ये तैयार होता है फिर आपको दिखाते हैं। और आज मैंने की है सारे घर की सफाई, और क्योंकि आज काम वाली नहीं आई हमारी बाजी रिहाना, काम करने नहीं आई, तो शायद आज के बाद वो आए भी ना, क्योंकि हाँ। तो अब जो है हमें तो अपना काम खुद ही करना है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी मैडम की तबीयत काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है कि पहले से काफ़ी बेहतर है, चल फिर रही है और ऐसा कोई मामला है नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक। तो दुआ कीजिएगा उनकी सेहत के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो मेरे पास पैसे आए हैं ये हमारी किस सिस्टम ने भेजे हैं, और इनमें जो दूसरे पैसे हैं ये किस चीज़ के हैं, मैं सब आपको ये बता दूँ। क्योंकि 5,000 जो है ये वाला, ये 5,000 रहना बाजी की सैलरी का, तो क्योंकि सब बहन भाइयों ने मुझे बहुत से ताने दिए, फ्री में काम करवा देती हूँ, फ्री में काम करवा देती हूँ, ये रहना बाजी गवाह है। मैंने आज तक ये सब बहन भाइयों को पता है कि मैंने कभी सामने पैसे नहीं दिए, सिर्फ चंद कमेंट्स ऐसे हैं जो मेरे दिल पे लगे हैं, और इस बार पे रहना बाजी भी गवाह है कि मैंने आज तक कभी इनके पैसे नहीं रखे। बेशक बिरौने मालिक से कोई इमदाद आई ना आई वो इनका नसीब, तो उसके अलावा पैसे जो उनसे मैं सैलरी में अपनी वो हर महीने इनको देती हूँ, और बाकी जो खाना पीना वो नसीब की बात है, वो हमारी औकात नहीं है किसी को खिलाया पिलाया। तो किसी ने कहा रोटी देकर उस पर इंसाना तुम अपने घर का पूरा काम करवा लेते हो, तो मेरे ऑपरेशन के दौरान भी आप सब बहन भाई देख सकते हैं जो रहना बाजी का काम था रहना बाजी ने वही काम किया, क्योंकि जिन जो काम पर मैंने उन्हें रखा हुआ था उन्होंने वही काम करना था। तो ये रहना बाजी आपके ये पैसे हैं सैलरी के, मैं सामने दे रही हूँ, और ये रहना बाजी खुद भी अपनी जुबान से अगर कहना चाहें तो कह सकती हैं, नहीं नहीं बाजी बता सकती हैं कि मैं हर महीने पैसे देती थी नहीं देती थी। शायदा बाजी जब भेजती थी तो मैंने लाजमी देती थी, जब नहीं भी भेजती थी तो मैं अपनी जेब से मैं लाजमी देती थी। नहीं ये बाजी देती थी हर महीने मुझे देती थी, ऐसा बात तो नहीं है, पता नहीं क्या क्यों कहते हैं भाई ऐसा। हाँ जी पता नहीं है, तो मुझे सोचना चाहिए कि मैं अगर सैलरी में छुपा कर दे रही हूँ, ब्लॉग में नहीं दे रही, तो मैं इसे सोचना चाहिए। सब तो नहीं है, चंदे कैसे हैं जो सारी गलोच करके चले जाते हैं, मेरी भी दिल आजादी होती है। लेकिन मार्जिन कभी ऐसा नहीं किया, वो हर महीने मुझे देती है, बीच में भी ले लेती हूँ मुझे जरूरत हो के 500,000 के बाद मुझे वो भी मैं कभी काट लेती थी, कभी कभी नहीं काट नहीं काटती, ज्यादा तो काटते ही नहीं है, ज्यादा मैं काट नहीं देती हूँ, अल्लाह माफ करे, वो मेरी बहन से भी बढ़ के हैं मेरे लिए। तो और ये 5,000 ये है, 600 रुपया अभी टूटा हुआ नहीं है वो मैं दबा कर, 5,600 रुपया ये बिरौने मालिक से हमारे हसाम फैमिली जिन्होंने रहना बाजी के लिए भेजे हैं, और उन्होंने मेरे लिए भी भेजे हैं, तो अल्लाह ताला उन सिस्टर को जजाय खैर दे और बहुत सारी खुशियाँ दे। रहना बाजी आपकी ये अमानत 600 रुपया अभी मैं आपको वो भी देती हूँ। तो आप सब बहन भाइयों को पता है कि ये अमानत थी, मैंने लुटा दी, तो फिर क्या कहते हैं इसे रहना बाजी, आप उस सिस्टर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी बाजी को अल्लाह खैर दे, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला बहुत बहुत इज्जत कर रहा है, अल्लाह ताला खैर दे ना रखे, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला ने मेरे बच्चे की वर्दियां वास्ते भी मेरा दान किया है, बच्चों के अल्लाह ख्याल रखे उनका भी, बच्चों के यूनिफॉर्म भी, हाँ जी बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए बैग और शूज उसके लिए उन्होंने वो पैसे भेजे। तो ये जो यूरोप से है हमारी सिस्टर को, तो असम फैमिली से,
हसन फैमिली। तो सिस्टर बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिस्टर को, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर आपका, क्योंकि मेरे ख्याल से जब तक इस दुनिया में ऐसे लोग रहेंगे तो मेरे ख्याल से तो हर बंदे एक दूसरे का एहसास करेगा। आज आपने एहसास किया, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशी मिले। आमीन। क्या हुआ, तबीयत फिर खराब हो गई? जी भाई, बैठी थी मैं चेयर पे, तबीयत अब चल के आई हूँ ना, ज्यादा दर्द होने लग गया। अच्छा चलो कोई नहीं, अल्लाह आराम देगा। पापा जी, मम्मा के चक्कर है बीपी। हाँ जरा तबीयत खराब हो गई है एकदम से। मैंने कहा चलो बीपी ऑपरेटर से भी जो है चेक कर लूं, ये भी बेचारे साथ वालों से लेके आया हूँ क्योंकि अपने घर में तो है नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि आइंदा ये भी ला कर रख लूं, ये भी बड़ी जरूरी चीज़ हो गई है हम दोनों के लिए। तबीयत झुंझे नहीं है एकदम से, ये नहीं समझ आई है कि बीपी लो हुआ है कि बीपी हाई है, मुझे एकदम से चक्कर आना शुरू हुआ। और मैंने कहा मेरा बीपी चेक कर दे, साथ वाले सायन के पास है नहीं, इतनी चल फिर रही हूँ आज, इसलिए चली भी इतना तो नहीं हूँ मैं ज़्यादा, मगर दिल घबरा रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर मेरा ना 7-8 महीने से मेरा ना बीपी अब हाई होता है, अब लो नहीं होता, वरना पहले लो हुआ करता था बहुत ज़्यादा। ये खुदा मेरे लिए कीमा लेकर आ रहे हैं, और कीमा बनाया भी खुदा ने खुद है, खुश्क कीमा ऐसे, इतना तो जरूरी है ना जख्म भरने के लिए, है तो सही लेकिन इतना सारा है? इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ये खत्म करो इसे। खाओगी तो तुम्हारे जख्म सही होंगे ना। चलो देख इतना खाया जाए, चिकन भी बनाता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। चलो शोरबे वाला, शोरबे वाला सालन बनाता हूँ चिकन का। ठीक है ठीक है। पापा जी करे हैं सालन गरम? जी हाँ, ये अपनी दादी के यहाँ से लेकर आई थी मिक्स सब्जी, आलू मटर गाजर मेथी, और वो गरम करवा रही है और कह रही है कि मैंने उसी से ही खाना खाना है। ऐसे ही है जी, वही खाना है और कुछ नहीं? नहीं। आखिरी फैसला है जी, लॉक कर दे? नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं जलेगी, आप इसमें आज लॉक कर दे, इसमें ऑयल डाला हुआ, इसमें घी नहीं है। एक्शन स्कूल गई, स्कूल से फिर ट्यूशन, ट्यूशन से फिर मदद से, और अब टाइम मिला था आकर नहाई है, नहाकर अब खाना खाया है, तो माशाल्लाह। और एक्शन अपने सर में तेल लगा के ना कंघी कर लेना, ठीक हो गया इधर मुंह मुंह को, तुम्हें तो चलो सही है। मोहम्मद का फीडर बना दियो, अपना बना दियो, और उन मोहम्मद का मेरा बेटा वो भी बना दो, उन मोहम्मद का। हाँ जी, उन मोहम्मद कपड़े चेंज करने लगे इनके बाबा इनके ना अभी, तो कपड़े चेंज कर लो, ठीक हो गया, जल्दी से कपड़े पहनो। हाँ जल्दी से जल्दी से। जी सर, ले आए इनके कपड़े? ठीक है ले आए जी। तो मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली और जितने भी मुझे देखने वाले हैं, तो सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, और हमारी जो सिस्टर हैं जिन्होंने पैसे भेजे हैं, वो रैना बाजी के लिए भेजे उन्होंने, और मेरी मेडिसिन के लिए उन्होंने भेजे, तो हसाम फैमिली से यूरोप से थैंक यू सिस्टर, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, आमीन। तो आज मुझे एक बात का अफसोस भी हुआ है, और क्योंकि मैंने आज तक रैना बाजी को कभी सैलरी मैंने व्लॉग में नहीं दी थी, बस चंद जन से ये आईडी बनाकर और कमेंट्स करते हैं, तो उनकी वजह से मैं थोड़ी परेशान थी, तो मुझे आज ये व्लॉग में ही मुझे देनी पड़ी है सैलरी उन्हें आज, कि उन्हें पता चल रहा है कि मैं उन्हें सैलरी देती हूँ, आया उनसे फ्री में काम मैंने नहीं करवाया कभी भी। तो जो मैं पाकिस्तान इंडिया बिरौने मालिक जहाँ जहाँ से देख रहे सबको मैं तो उसे अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मेरी बस ख़राब भी है, ठीक भी है, तो क्या करूँ, हंसकर तो आना पड़ता है। हाँ लेकिन जो मुझ पर बड़ा मुसीबत का पहाड़ था समझे, वो मुझसे गुजर गया, वो ऐसे है कि एक तो बीमारी का पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब बीमारी पता चली तो मैंने अपना ऑपरेट करवा लिया,
तो अब वो पेट की पेन तो होती है, ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता जाके मैं ठीक हो जाऊंगी इंशाल्लाह। बाकी सब बहन भाइयों की दुआएं तो मेरे साथ थी, और ऊपर अल्लाह की ज़ात और नीचे बहन भाइयों की दुआएं। क्यों खत्म जी जी। तो अब क्या आप क्या कहना चाहेंगे, इजाज़त लें फिर, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैंने अभी मेडिसिन भी लेनी है रात की, और फिर अब वीडियो अपलोड भी करनी है, और आप बहन भाइयों ने फिर देखनी भी है। पहले तो मेरे पास एडवांस व्लॉग होते थे, अब तो बहुत मुश्किल होते हैं मेरे पास एडवांस व्लॉग, तो इसलिए अब मेरी कोशिश यही होती है कि बस एक दिन में वीडियो बनाओ और एक वीडियो डाल दो। जैसे ही मेरी तबीयत बेहतर होगी तो इंशाल्लाह मैं दो वीडियो जरूर डाला करूंगी, और फिर अपनी कुकिंग ये वो, फिर तो मैं चलने फिरने लग जाऊंगी, फिर मुझे टेंशन नहीं होगी इतनी। अब तो बस चलती हूँ फिरती हूँ, बस खुद हम किचन में खड़े हुए होते हैं, जब इन्हें किचन में खड़े हुए को देखती हूँ तो, क्योंकि पहले तो हम हंस खेल कर वीडियो बनाया करते थे, लेकिन अब जब देखती हूँ तो फिर दुख होता है। वो क्यों होता है कि बच्चे हैं खुद हैं, मैं इनकी देखभाल नहीं कर पाती, उल्टा यही देखभाल मेरी कर रहे हैं कैशा भी और खुदम भी, और ओन मोहम्मद अक्सर मुझे मेरा बेटा प्यारा सा ये मुझे बाहर ले जाता है घूमने के लिए कि मामा वो बाहर की सैर करवा के लाऊँ आपको। अभी 2 साल का है ये, तो इसे बहुत फिक्र होती है मेरी। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, जो हमें पाकिस्तान इंडिया दोनों ममालिक जहाँ जहाँ से देख रहे सबको मैं तो से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह हाफिज़।